नगर परिषद बहादुरगढ़ में ठेका फर्म के 35 कर्मचारियों को 3 माह से वेतन नहीं मिला है। परिषद में कंप्यूटर ऑपरेटर और दूसरे पदों पर प्राइवेट फर्म के जरिए परिषद ने करीब 35 कर्मचारी लगाए हैं। परिषद फर्म को भुगतान करती है और फर्म कर्मचारियों को उनका वेतन देती है, लेकिन फर्म ने दिसंबर 2021 का वेतन भी कर्मचारियों को नहीं दिया। फर्म ने काम कर रहे कर्मचारियों का ESI और PF भी जमा नहीं करवाया है। इसके चलते मार्च और अप्रैल माह में नगर परिषद ने ठेका फर्म का भुगतान रोक लिया। फर्म को कर्मचारियों का ESI और PF जमा करवाने की बात कही गई, लेकिन ESI और PF के फेर में कर्मचारियों का 3 माह का वेतन नहीं मिल पाया है। चुनावी तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे जिला उपायुक्त के सामने कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को रखा, जिसके बाद जिला उपायुक्त ने परिषद EO को जल्द से जल्द कर्मचारियों का वेतन दिलाने का आदेश दिया है। सर 35 जो इम्प्लॉई हैं आउटसोर्सिंग वाले, ये करीब 4 महीने से वेतन के लिए भटक रहे हैं, तो क्या मामला है? अच्छा, मुझे बताया गया है कि किन्हीं वजह से इनको दिसंबर का वेतन नहीं दिया गया है और इनकी ESI PF जमा नहीं हुआ है। तो मैंने अभी नगर परिषद को आदेश दिए हैं कि एक सप्ताह के अंदर इसको रिजॉल्व करेंगे, और अगर वो जो भी कॉन्ट्रैक्टर है अगर उसको भुगतान में कोई देरी या आनाकानी करते हैं तो नियमानुसार जल्द से जल्द इनको भुगतान किया जाए।